हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझको रिक्वेस्ट किए हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीच डालिए। चलिए, मैं आपके लिए मोटिवेट करता हूं। अभी मैंने लाइव क्लास कर रहा था तो कई स्टूडेंट मुझको कमेंट करके ये भी बताया है कि कल का एग्जाम हमको डर लग रहा है, तेलुगु हमको समझ नहीं आती। सबसे पहले आप अपना डर को निकालिए। अगर आप डरते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम जानते हैं हमको पढ़ना नहीं आता, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस ये है कि फिर भी हम एग्जाम अच्छा लिखेंगे। अगर आप डरते हुए रहेंगे तो डर की वजह से कुछ भी आपको याद नहीं होगा, समझे आप? ये चीज पहले आप निकाल दीजिए अपने जहन से। तेलुगु आपको पढ़ना नहीं आता तो तेलुगु के अंदर 16 मार्क्स पास है, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का रहता है जिसके अंदर ए बी सी डी लिखना होता है। अगर ऑब्जेक्टिव भी अच्छा करेंगे तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। जो स्टूडेंट को तेलुगु नहीं आती, उन स्टूडेंट्स के लिए अगर तेलुगु थोड़ा भी आपको समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे आंसर्स और पोएम या आपके पैराग्राफ राइटिंग के अंदर, उसी के अंदर आंसर्स आपको ढूंढकर लिखना होता है, वही आंसर्स लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे पोयम और पैराग्राफ के मिला के 20 मार्क्स मिलेंगे। 20 पैराग्राफ के मार्क्स, 20 ऑब्जेक्टिव के मार्क्स अगर मिलाएंगे तो 40 मार्क्स। 40 मार्क्स में से क्या 16 मार्क्स नहीं ला सकते हो? आप आराम से ला सकते हो। सिर्फ आपको फोबिया सता रहा है कि ये सब्जेक्ट हमको नहीं आता, ये सब्जेक्ट हमको बहुत मुश्किल है, हम तेलुगु को किस तरह पार करें। देखिए, मैथमेटिक्स से एग्जाम स्टार्ट हो रहा था, एक डर था कि मैथ्स का एग्जाम कैसा जाएगा। तो अच्छा दिखे हैं आप, मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छा गया है। फिर उसके बाद आया फिजिक्स बायोलॉजी का, फिर एक डर था कि फिजिक्स और बायोलॉजी टफ एग्जाम है, कैसा लिखेंगे हम एग्जाम, हमको बहुत मुश्किल होगी। फिर एग्जाम के बाद रिलैक्स महसूस करें आप। उसके बाद आपको उर्दू हिंदी का एग्जाम आया, उर्दू एग्जाम आपको आसानी से गया, रिलैक्स महसूस करें। फिर उसके बाद आया इंग्लिश का एग्जाम, वो भी अच्छा लिखे, उसके बाद रिलैक्स। सोशल, देखिए, सारे एग्जाम से पहले हमको यही डर सता रहा था कि एग्जाम कैसा जाएगा, एग्जाम कैसा जाएगा, लेकिन एग्जाम लिखने के बाद आपको खुद एहसास हो गया कि आप किस तरह एग्जाम लिखे। ये फोबिया है, फोबिया को हम भगा देना चाहिए। देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। अगर एक शेर है और एक हिरण है तो हिरण को क्या करना चाहिए, शेर से जान बचाना है तो शेर से तेज हिरण को भागना चाहिए तो हिरण की जान बच जाएगी। लेकिन शेर को क्या करना चाहिए, अगर शेर को भूखा नहीं रहना है तो हिरण से तेज शेर को भागना होगा, क्योंकि अगर उसको भूखा नहीं रखना होगा, अगर हिरण से तेज अगर शेर नहीं भागेगा तो भूखा मर जाएगा, शेर तेज तेज हिरण नहीं भागेगी तो हिरण मर जाएगी। तो उसी तरह हम, वो सब्जेक्ट हार्ड है, ये सब्जेक्ट हार्ड है, अगर इसी तरह सोचेंगे, हम भागने की कोशिश नहीं करेंगे तो इसी तरह हम पछताते रहेंगे। मैं हूं आप सभी के साथ, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका सर हूं। चाहे मेरे बैड कमेंट करने वाले हो, चाहे मुझे डिमोटिवेट करने वाले हो, लेकिन मैं आप ही का सर हूं। मैं इस चीज का बुरा नहीं मानूंगा कि आप कुछ भी कमेंट करते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या मेरे बारे में सोचते हैं मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे मतलब है आपकी स्टडीज से, आपकी पढ़ाई से, आपके फ्यूचर से और आपके टारगेट से, आपके एम से। इससे मेरे को, इस चीज से मुझको रिलेशन है। इसीलिए कल तेलुगु का एग्जाम है, डरिए मत, छोटे छोटे सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए। मैंने कुछ अथेंट क्वेश्चन दिया है, जैसा लेटर, पोस्टर और उसी तरह एक इनविटेशन, एक एक याद करके जाइए, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। लेटर के फाइव पार्ट्स होते हैं, फाइव एट मार्क्स का आता है ईच पार्ट। अगर पार्ट्स भी अगर सही लिखेंगे बॉडी पार्ट छोड़कर तो उसके चार मार्क्स आपको मिलेंगे। डेट जो जो भी आता है, बॉडी पार्ट को छोड़कर, बीच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बॉडी पार्ट छोड़ देंगे, लेटर के सही पैटर्न मिलेंगे लिखेंगे आप तो
तो आपको 4 से 5 मार्क्स मिल सकते हैं। इनविटेशन, हम पता है रोजाना इनविटेशन देखते रहते हैं हम, डेट है, वेन्यू है, टाइम है, चीफ गेस्ट है, ये नेम्स आपको लिखना होता है, इसके 8 मार्क्स मिलते हैं आपको। समझ आ रहा आपको? तो इसलिए डरिए घबराइए मत। आप डरेंगे घबराएंगे तो डर और घबराहट आपको खा जाएगी, आपको कुछ याद करने नहीं देगी। पहले जाइए तेलुगु का पेपर सबसे पहले अच्छा पढ़ लीजिए आप, और पहले पैराग्राफ आएगा, क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चन का एक भी वर्ड पैराग्राफ में रिलेटेड है तो वो आंसर लिख दीजिए, वो आंसर आपको रहेगा। क्वेश्चन के अंदर का क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो क्वेश्चन के अंदर वर्ड रहेगा, एक वर्ड भी अगर पैराग्राफ में मिलता है तो वर्ड उसी का आंसर होगा। अगर फिलअप्स आते हैं तो पूरा सेंटेंस आपको पैराग्राफ में मिलेगा, जहां पर ब्लैंक रहेगा वो सेंटेंस आपको पैराग्राफ में भी मिल जाएगा। बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं, आप सोच रहे हैं सर आपको तेलुगु आती है इसलिए आसान कह रहा हूं, ऐसा नहीं है मेरे पैर स्टूडेंट, आपको कह रहा हूं मैं, बहुत आसान है तेलुगु लिखना। अगर आंसर्स अगर आपको मुश्किल लगते हैं ठीक है, आंसर्स जितने बन पाते हैं लिखिए, छोड़ दीजिए, ग्रामर अच्छा कीजिए, 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। कोशिश कीजिए कि हम तेलुगु का एग्जाम अच्छा लिखे, डरिए मत। मैं अभी लाइव कर रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डर लग रहा है, तो ये डर को भगा देना है हमको, डर से हमको जीत हासिल करना है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मुझे भी आते हैं, आपको भी आते हैं, मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान है, मिस्टेक करना हमारी फितरत में है, हमारी आदत है। मैं भी 100% करेक्ट नहीं लिखता, उस चीज के अगर हम सोचते रहेंगे कि मिस्टेक आएंगे मिस्टेक आएंगे मिस्टेक आएंगे तो वो बड़ी मिस्टेक बन जाएगी। हमको सोचना है कि मिस्टेक्स को हम कैसे दूर करें। हाँ आने दो, कोई बात नहीं, मिस्टेक आएंगे तो आएंगे, लेकिन हम लिखते जाएंगे, क्योंकि अब मिस्टेक आएंगे तो नेक्स्ट टाइम और अच्छा लिखेंगे हम। हर ठोकर इंसान को एक नया सबक सिखाती है, एक मुहावरा है पता है आपको, टीचर सबक देता है इम्तिहान के लिए, और कुछ मुहावरा था मैंने भूल गया हूं, टीचर पहले सबक देता है बाद में एग्जाम लेता है। अच्छा सुनिए, आपके काम की चीज है, टीचर पहले सबक देता है बाद में एग्जाम लेता है, लाइफ पहले एग्जाम लेती है बाद में सबक देती है। समझ जाए, लाइफ है हमारी, पहले हमारा एग्जाम होगा बाद में हमको सबक मिलेगा। हाँ मैंने क्वार्टरली एग्जाम अच्छा नहीं लिखा, ऐसे मैंने एग्जाम अच्छा नहीं लिखा, मुझको सबक हो गया, मैं आगे अच्छी तैयारी करूंगा इसकी, ये हमारे लिए सबक है। आप डरिए मत, घबराइए मत, निश्चिंत रहिए, जो भी होता हो जाने दो, क्या करना है, अच्छा नहीं गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम अच्छा लिखेंगे हम। डिमोटिवेट मत होइए, अगर एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा तो आप अच्छा नहीं जा रहा अच्छा नहीं जा रहा तो अगर सोचते रहेंगे तो सेहत पे असर पड़ेगा, इससे कोई डरने की आपको जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास टाइम है और अच्छा हम पढ़ लेंगे, अगर हमको अच्छा नहीं जा रहा कहां पर हम लोग गलती किए हैं, आगे अच्छा पढ़ने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन हमको डर लग रहा है तो भी एग्जाम लिखना है, डर नहीं लग रहा है भी एग्जाम लिखना है, तो इसलिए डरिए मत। स्पेलिंग मिस्टेक आएंगे चाहे आने दो, कुछ आंसर्स आएंगे कुछ नहीं आएंगे, आने दो जितना आता है लिखेंगे, और कुछ ग्रामर आएगा ठीक है लिख के आइए। समझ आ रहा आपको? तो ये सारे चीजें आप आराम से लिख के आइए, बिना झिझक लिख के आइए। आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपका सर हूं, बाद में हम बैठेंगे डिस्कशन करेंगे कहां पर हमारे में कमी है, कहां पर हम छोड़ के आए हैं, किस चीज ने हमको सता रही है और कहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हुए, बाद में हम एनालाइज करेंगे, लेकिन अब तो हमको लिखना ही है। ठीक है, चलिए, अगर नए सब्सक्राइबर है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, बेस्ट ऑफ।